जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। दोस्तों आपके सामने अक्सर ये सब कहा जाता है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, टीएफटी डिस्प्ले, इन सारों में फर्क होता है, ये तो आपको पता है। तो आज मैं आपके सामने प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूँ कि कौन सी डिस्प्ले कितनी ब्राइट होती है, कौन अच्छा कलर शो करता है, कौन अच्छा लगता है, कौन बेकार लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब साइड बाय साइड इनको हम रखेंगे तब आपको रिजल्ट अच्छे से मिलने वाला है। सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ तीन फोन यूज़ कर रहा हूँ। आपका यूज़ कर रहा हूँ Redmi Note 7 Pro IPS LCD डिस्प्ले के लिए, Galaxy M20 TFT डिस्प्ले के लिए और Galaxy A50 Super AMOLED डिस्प्ले के लिए। अभी आप सोचोगे AMOLED तो है ही नहीं, तो यहाँ पे AMOLED और Super AMOLED में ज़्यादा फर्क नहीं होता, सेम ही रिजल्ट आपको दोनों में मिलने वाला। बाकी अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने ये वीडियो यहाँ पे चैनल पे बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश किया, आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ प्रैक्टिकली देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे RGB रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं तीनों कलर से मिलकर ढेर सारे कलर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से तीनों फोन को आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि तीनों में कितना फर्क आता है। और ये मैंने डे लाइट में शो किया हुआ, और अभी आपके सामने ये मैंने बिल्कुल अंधेरे में शो किया हुआ, तो यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा कि AMOLED या सुपर AMOLED मैंने यूज़ किया हुआ। सुपर AMOLED में आपको जो कलर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मिलते हैं, लेकिन आपको TFT और यहाँ पे IPS में ज़्यादा फर्क समझ नहीं आ रहा होगा। तो आपके सामने एक वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको देखो। तो ये वीडियो आपने देख लिया, लेकिन इसको और अच्छे से मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले ये फोटो आपके सामने, इसमें आप देखो पानी के कलर में कितना फर्क है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे पैर के कलर में कितना फर्क है, नेक्स्ट फोटो में आप देखेंगे यहाँ पे डक का कलर कितना ज़्यादा फर्क है, नेक्स्ट फोटो में आप देखिए यहाँ पे स्किन कलर में कितना ज़्यादा फर्क है। तो इन सबको देख के आपको सुपर AMOLED सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुपर AMOLED एक ब्राइट डिस्प्ले होती है, हमारी आंखों को अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नेचुरल कलर शो करता है वो शो करता है IPS LCD डिस्प्ले। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे इंडोर सैंपल दिखाया, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ डे लाइट में, वहाँ पे आपको और अच्छा अंदाजा लगेगा और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपने डे लाइट का सैंपल देख लिया, और आसान करने के लिए अगर मैं आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप स्किन का कलर देखो, उसके बाद यहाँ पे आप फ्लावर का कलर देखो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर फर्क दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होता, तो सिमिलर नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे आप जौन सा भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं आपको ऐसे पता नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे जब साइड बाय साइड रख रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सुपर AMOLED या AMOLED डिस्प्ले बेस्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आता है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग IPS LCD डिस्प्ले की बात करें तो ये एकदम नेचुरल कलर शो करता है। अगर आपका काम ऐसा है, कुछ मान लो आप डिज़ाइनिंग करते हैं जिसमें आपको कलर एक्यूरेसी देखनी होती है, तो यहाँ पर आप सुपर AMOLED डिस्प्ले पे काम कर ही नहीं सकते, TFT पे काम कर ही नहीं सकते, आपको चाहिए IPS LCD डिस्प्ले, नहीं तो ऐसे आप कलर ना उसमें सही से अगर कहीं करना होगा तो आप सही से कलर यूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर हम लोग TFT की बात करें, तो अगर आपको कोई ऐसे ज़्यादा पैसे लेके किसी फ़ोन में TFT डिस्प्ले दे रहा हो तो आप बिल्कुल भी मत लेना। आप गेमिंग वगैरह करोगे, मूवीज़ इंजॉय करोगे, वीडियो देखोगे, तो ये सारी चीज़ों में आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे चाहे वो आपकी IPS LCD डिस्प्ले, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, सुपर AMOLED डिस्प्ले, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन एक नॉर्मल यूज़र को सुपर AMOLED डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकल दिखा दिया, तो आपको अभी पता लग गया होगा कि कौन सी डिस्प्ले कितनी अच्छी होती है। आपको कौन सी डिस्प्ले पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।